हेलो जैन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर 13 मेजरमेंट एंड टुडे आवर टॉपिक इज कन्वर्टिंग ग्राम इनटू किलोग्राम। कन्वर्टिंग ग्राम इनटू किलोग्राम। नो बेटा, कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम। फर्स्ट वी विल सी कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम। ओके, पहले हम किलोग्राम से ग्राम में बदलना देखेंगे, सीखेंगे, उसके बाद ग्राम से किलोग्राम। ठीक है, पहले हम किलोग्राम से ग्राम में चलते हैं। कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम, तो आप जानते हैं, यू नो दैट वन केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। होता है एक केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो अगर हम 2 केजी करते हैं, 2 केजी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो सीधी सी बात है, जब 2 केजी हो जाएगा तो आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 2 केजी में कितना होगा? 2 × 1000 कर देंगे तो हो जाएगा 2000 ग्राम। हमारा 2000 ग्राम हो जाएगा ना। ठीक है, अब 2 केजी 50 ग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो ये ग्राम में बदलते हैं, तो 2 और 500 ग्राम है, 2 kg 500 ग्राम को ग्राम में बदलेंगे, तो 2 × 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? पहले 2 है तो 2 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? ग्राम में, तो कितना हो जाएगा हमारा? 2000 हो जाएगा। 2000 ऑलरेडी ग्राम में है, ऑलरेडी ग्राम में है, तो 2000 + 500 ग्राम प्लस कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके बेटा, और देख लीजिए एग्जांपल, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1000 से केजी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे हाउ मेनी ग्राम। ओके, इसको 9 × 1000 = 9000 + ये इसको प्लस कर देंगे क्योंकि ये ग्राम में है। ठीक है, 950 कितना हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 9950 ग्राम, ये हमारा ग्राम हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट
क्वेश्चन देख लो, फाइव केजी 250 ग्राम को ग्राम में बदलना है, हाँ ये ग्राम, ठीक है ठीक है बेटा। तो इस प्रकार दिया रहेगा तो ये 5 है, ये क्या है केजी में है, किलोग्राम में है, तो इसे हम पहले ग्राम में बदल देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो ये 5000 हो जाएगा प्लस ये 5000 प्लस 250 इक्वल टू 5250 ग्राम, ओके 5250 ग्राम हो जाएगा बेटा। अब इस पे क्वेश्चन नहीं दिया है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कन्वर्टिंग ग्राम इंटू किलोग्राम, इसको हम लोग आज ही देख लेते हैं, कल देखेंगे, इधर दिया है ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं बेटा, कन्वर्टिंग ग्राम इंटू किलोग्राम को भी देख लेते हैं, ग्राम से किलोग्राम कैसे बनाएंगे, ग्राम से किलोग्राम मान लीजिए 6000 ग्राम है या दिया है ठीक है, ग्राम में दिया है, अब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे ठीक है। तो ग्राम में कन्वर्ट करने सॉरी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में बनाना है, तो किलोग्राम में बनाने के लिए पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ओके। तो जैसे डिवाइड करना है वैसे कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 1000 नीचे लिखकर ठीक है ठीक है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 से 6 बात हुई 6 किलोग्राम, यानी सीधी सी बात है कि हम जब ग्राम से किलोग्राम में बनाएंगे ठीक है बेटा, जब ग्राम से किलोग्राम में बनाएंगे कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जब किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना हो हमें तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये करना है ओके। इट्स वेरी इजी, जैसे 8960 ग्राम है ठीक है, तो इसको हमको डिवाइड करना है ठीक है, 1000 से डिवाइड करना है 8960 ठीक है, 8 टाइम्स करेंगे तो 8000 हो जाएगा ठीक है, 9 आ जाएगा 60 ओके बेटा। अब ये 8 हो गया, अब यहां कम हो गया 960 हो गया, तो यहां क्या करेंगे पॉइंट बढ़ा लेंगे, जीरो बढ़ा देंगे ठीक है, तो 9 टाइम्स जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा ठीक है, अब ये आ जाएगा 600
फिर एक जीरो बढ़ाकर यहाँ सिक्स कर देंगे, ठीक है। ये सिक्स भी 6000 भी कैंसिल हो जाएगा, सिक्स टाइम, ओके बेटा। तो ये आपका एट केजी 96 ग्राम आ जाएगा, 900 ग्राम, ओके, ऐसे आ जाएगा आपका आंसर, ओके बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।